जैसे प्रभु जी हम देखते हैं बहुत सारे वहाँ पे टेंपल में जाते हैं तो भगवान की आंखें बहुत बड़ी बड़ी हैं, बट श्रीनाथ जी की आंखें बहुत नीची हैं, तो इसके पीछे क्या राज है? देखिए भगवान के जो अलग अलग रूप होते हैं, उनके जो अलग अलग अंग हैं, बहुत सारी शिक्षाएं देने के लिए होते हैं। जगन्नाथ जी की आंखें बहुत बड़ी हैं, देखा आपने कितनी बड़ी हैं। एक तो पहले आंखें इतनी बड़ी, ऊपर से खुली पूरी, ऊपर से पलके नहीं, उसमें आंखें तो बड़ी होती हैं मगर पलके छुपा देती हैं आंखों को, मगर जगन्नाथ जी की पलके ही नहीं। क्यों? क्योंकि तो सोना नहीं है उनको, पलके किस लिए चाहिए? बोले नींद सो रहा हूँ, तो आंखें बंद करके सोते हैं ना। आंखें खोल के सोता है कोई? जो आंखें खोल के सोता है उसको भूत बोलते हैं। तो इसलिए ठाकुर जी के बोले पलके नहीं है, सोऊंगा नहीं मैं। तो जगन्नाथ जी की आंखें बड़ी बड़ी क्यों हैं? कई बार जैसे जब बचपन में ना लेंस से खेला करते थे, तो एक बड़ा लेंस होगा उस पर सनरेज आती थी, तो सामने एक पेपर रखा था, तो उसकी रेज उसमें जाती थी तो पेपर जल जाता था। वो उसे फोकस करने के लिए लेंस का प्रयोग किया जाता है। तैसे जगन्नाथ जी बोलते मेरे बड़े बड़े लेंस हैं, है ना, तो मैं क्या करूँगा, फोकस करूँगा। कहाँ फोकस करूँगा? मेरे भक्तों में कुछ भी गुण दिख जाए ना उस पर फोकस करूँगा। माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप में लेंस होता है कि जो बड़ी छोटी सी चीज़ है ना उसको बड़ा बढ़ चढ़ के उसको मैग्नीफाई करके दिखाया जाता है। तो ऐसे ही ठाकुर जी के मैग्नीफाइंग लेंस है। जगन्नाथ जी के कौन से लेंस हैं? मैग्नीफाइंग लेंस है कि अपने भक्त में छोटा सा भी गुण दिख जाए उनको इतना बड़ा करके बताएंगे ना, पूरे जगत में उसका ढिंडोरा पिटेंगे, अरे देखो क्या सेवा करता है, कैसी माला करता है ना, कितनी अच्छी भक्त, कितना अच्छा भक्त है ये, इतनी परेशानी है घर में फिर भी आया है, बॉस को झूठ बोल के आया मेरे पास, ये पता मुझे बाद में अभी जाएगा वापस कितनी पिटाई होगी इसको, फिर भी आया मेरे पास। तो क्या करेंगे, छोटे से गुण को लेके उसको मैग्नीफाई करेंगे, इसलिए जगन्नाथ जी की बड़ी बड़ी आंखें हैं। और इतने सारे भक्त हैं, उनका दर्शन करना है ना, दर्शन देना भी है उनको, तो एक सेकंड में बड़े सारे भक्त आ जाएंगे, तो उनके क्या करना पड़ेगा, बड़ी आंखें चाहिए ताकि सबको स्कैन कर लूं मैं, एक साथ स्कैन कर लूं। हम लोग क्या होता है, एक दिखा यहां पे देख पाएंगे तो इधर नहीं देख पाएंगे ना। कुछ लोग होते हैं इधर देख रहे होते, इधर फेंगे होते हैं ना लोग, मगर हम इधर देखेंगे तो इधर ही देख पाएंगे। मगर जगन्नाथ जी की आंखें हमारी तरह हॉरिजॉन्टल नहीं, उनकी आंखें क्या है, गोल है। क्यों? क्योंकि उनको लेफ्ट राइट नहीं देखना, उनको ऊपर के लोगों को और नीचे के लोगों को, वासियों को भी देखना है ना। वो तो कौन है, वो त्रिभुवन नाथ है, वो जगतनाथ है, केवल भूनाथ नहीं है ना। ऊपर के लोग हैं जो ना, ब्रह्म लोग, भूवर लोग, महर लोग, ऊपर के लोगों के वासियों को भी देखना है उनको, और नीचे के लोग ना, अतल वितल सुतल तलातल रसातल पातल, नीचे के लोगों के वासियों को भी देखना है। तो पूरे गोल आंखें उनको, तो चारों तरफ नजर घुमा के सबको कृपा कर सकते हैं। मगर ऐसे ही आएंगे तो ऐसे बहुत सारे और विग्रह हैं ना जिनकी आंखें बंद हैं, जैसे बालाजी की भी आंखें क्या हैं, वो बंद हैं, अनंत नाभ जाएंगे वो तो सो ही रहे हैं, सो रहे हैं। तो ये भगवान क्या बताना चाह रहे हैं, बोले भैया कैसे कैसे भी लोग आ जाओ मेरे पास, पापी धापी यत छीलो, है ना, पापी धापी, योग्यता हो अयोग्यता हो, कैसे भी लोग हो, मैं तुम्हारे अंदर जो भी दोष हैं उसको नजरअंदाज कर दूंगा, देखूंगा ही नहीं ना। तुम दोषों के साथ मेरे पास आओ, मैं उन सारे दोषों से ऊपर उठ जाऊंगा ना, तुम्हारे दोषों से ऊपर उठ के तुम्हें अपना मानूंगा मैं, तो तुम दर्शन करते रहो, मैं तुम्हारा हूं ना, बेशक तुम्हारे लिए मेरे हृदय में कोई इच्छा हो या ना हो, तुम्हारे हृदय में बहुत सारे पाप हो या ना हो, मैं उससे कुछ मेरा कुछ उससे कुछ लेना देना नहीं है, मैं तो बस तुम्हें दर्शन देना चाहता हूँ, अपनी कृपा देना चाहता हूँ। तैसी वो हैं श्रीनाथ जी, बोले कोई भी आ जाओ मेरा दर्शन कर लो, मैं तो केवल कृपा देने के लिए आया हूँ, मैंने अपनी आंखें बंद कर रही हैं। कई बार जैसे कोई व्यक्ति गलती कर रहा होता है ना, तो उसको तो एम्बेरेसमेंट नहीं होता, मगर जो देख लेता है उसको बड़ा एम्बेरेसिंग होता है, यार मैंने इसको देख लिया, और मैंने इसको देख लिया तो इसको कितना बुरा लग रहा होगा ये देखते हुए। जैसे प्रभुपाद जी एक बार ट्रेवल कर रहे थे फ्लाइट में, तो उनके साथ एक उनका सर्वेंट था, वो नया नया जुड़ा था इस्कॉन में, तो माला तो करता था, प्रभुपाद जी की सेवा भी करता था। तो जैसे ही फ्लाइट में बैठे, तो फ्लाइट में क्या आती है, सबसे पहले एयर होस्टेस आती है। अब एयर होस्टेस तो वो भी मतलब फॉरनर, तो बड़ी सुंदर थी वो ना, लंबी सी हट्टी खट्टी और बड़ी सुंदर। तो इसका बेचारे का माला में कम मन लग रहा था, उसको देखने में ज़्यादा मन लग रहा था, तो ये उसकी तरफ देखी जा रहा है एयर होस्टेस, और प्रभुपाद जी ने इसको देख लिया कि उसको देख रहा है,
और इसने प्रभुपाद जी को देख लिया कि प्रभुपाद जी ने इसको देख लिया कि ये उसको देख रहा है। वो तो बेचारा शर्म के मारे मारा मारा हो गया, क्या करूं मैं, कहां डूबूं मैं, कहां चला जाऊं, मेरे गुरु ने मेरे को देख लिया कि मैं कहां क्या देख रहा हूं। तो बड़ा एम्बेरेसिंग फील होता है ना कोई गलती करते हुए देख ले, तो ऐसे ही भगवान हमें एम्बेरेस नहीं करना चाहते, बोले तुम गलतियां करते रहो यार, कोई दिक्कत नहीं है ना, मैंने तुम्हें अपनाया ना, आ जाओ ना, तो इस धाम में तुम मेरे अपने हो ना, जैसे भी तुम आए हो मैं तुम्हें स्वीकार कर रहा हूँ, मेरी आंखें बंद है, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा। तो ऐसे हैं ये ठाकुर जी, कुछ ना देखने वाले ना, गलतियों को ना देखने वाले। बोलो श्रीनाथ जी की। हरे कृष्णा।